तो साधु जी, महाभारत के युद्ध में जब विशाल काय बलवान भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया, पूरा समर खाली हो गया, कौरव मारे गए, पांडवों का एक बाल बांका नहीं हुआ। और हम आज कथा में आपको समझा भी रहे थे, विजय उसकी होती है जो सत्य पर चलता है। झूठ कितना भी शोर मचा ले, झूठ कितना भी शोर मचा ले, पर सत्य की एक आवाज ही खामोश कर देती है। हाँ, झूठ कितना भी शोर मचाए, पर सत्य की एक आवाज खामोश कर देती है। आज हम आपको सत्य की चर्चा बता रहे थे कथा में। कौरव इसलिए मारे गए क्योंकि उनके साथ असत्य था, और पांडव 5 थे, कौरव 100, पर 5 पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि इनके साथ सत्य रूप में भगवान कृष्ण थे। महाभारत की कथा का सीधा सार यही है, भगवान उसके साथ हैं जिसके जीवन में सत्य है, और विजय भी उसकी है जिसके जीवन में सत्य है। वो किसी शायर की बड़ी प्यारी पुरानी पंक्तियां हैं, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के इन फूलों से। हाँ, सत्य को मिटाना बड़ा मुश्किल है, जो है सो है, सत्य मिटाना मुश्किल। सत्य कड़वा लगता है, सब नहीं पी पाते हैं। सत्य को सुनने वाले भी कोई अमीर दिल के आदमी होते हैं, वही उसे बोलते हैं, वही सुन सकते हैं। सांच सुनना भी गरीबों के बस की बात नहीं है। जिसे मिलावटी दूध पीने की आदत हो, वो अगर धोखे से पेवर दूध पी ले, पेट गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पेट खराब हो जाता है। मिलावटी वालों को मिलावट दूध चाहिए, पर जो सच्चा आदमी होता है वो खरा काम रखता है। तो कौरवों की पराजय हुई और पांडव जीते, तो अश्वत्थामा लुकते छुपते पहुंचा दुर्योधन के पास। हे मित्र, हमने तेरा नमक खाया है, तेरी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, बताओ मैं क्या करूं। तो दुर्योधन कहता है कि मित्र, वैसे तो मुझे कोई दुख नहीं है, बस एक दुख है मेरे मरते समय। क्या? हम 100 भाई थे, एक नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरा, बस यही चिंता है। और आज भगवान विजय प्राप्त करके पांडवों को ले गए समर से बाहर। तो पांडव सोने जा रहे थे, भगवान बोले नहीं, चलो हमारे साथ। आज विजय प्राप्त की है तो रात्रि में धूमधाम मचाते हैं कहीं। तो जहां पांडव लेटने थे, वहां पर पांडवों के 5 पुत्र जो देखने में पांडवों जैसे थे, वो सो गए, वहां लेट गए। इधर अश्वत्थामा कहता है, दुर्योधन अगर ऐसी बात है, तू कहता एक सर, भगवान ने चाहा, मैंने तेरा नमक खाया, मैं 5 सर लेकर के आऊंगा। अश्वत्थामा चला। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि पांडवों से सामने जीतना तो मुश्किल है, एक विधि की जाए। अश्वत्थामा ने उलूकन न्यास विधि का प्रयोग किया। उलूकन न्यास का मतलब है रात को सोए हुए शत्रुओं पर हमला करना। एक बार एक उल्लू ने रात के समय कौओं पर हमला कर दिया। उल्लू को दिखाई देता, कौओं को दिखाई नहीं देता, सारे कौआ मारे गए। यही विधि का उपयोग किया अश्वत्थामा ने। तो जहां पर 5 पांडव लेटा करते थे, वहां पर गए, देखा कि सब सो रहे हैं, पर वहां पांडव थे नहीं। पांडव तो विजय की रात्रि मनाने गए थे। पांडव पुत्र जो दिखने में पांडव जैसे थे, वो लेटे थे। अश्वत्थामा ने सबके गर्दन को काट करके हाथ में ले लिया, लेकर के आया, भागा भागा गया दुर्योधन के पास। हे मित्र, तू मर मत, देख, तू कह रहा था एक सिर, मैं 5-5 सिर ले आया पांडवों का। पहले तो प्रसन्न भय दुर्योधन, वाह, जो हम पूरी महाभारत में नहीं कर पाए, इसने पल में कर दिया, क्या कहना तेरे सूरवीर का, नजदीक ला जा। पर जैसे ही नजदीक आकर के चेहरे को बड़े गौर से देखा, तो चिघार पड़ा दुर्योधन, हे अश्वत्थामा, अरे तूने ये क्या किया,
ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है। और इनको मार करके तूने मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। क्या बिगाड़ा इन्होंने, मेरे बच्चे हैं, क्या बिगाड़ा इन्होंने, बर्बाद कर दिया तूने। और दुर्योधन गिर पड़ के रो पकड़ के प्राण पखेरु उड़ गए। अश्वत्थामा को पता लगा कि पांडव जीवित हैं, अब तो हमारा बचना भी बड़ा मुश्किल है। अश्वत्थामा भागा। इधर सुबह हुई, तुमारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृत्वत्सा आर्तारोदिम श्रुमुखी मोह। रो पड़ी द्रौपदी। तो द्रौपदी की रुदन करुण क्रंदन सुनकर के धृष्टर आदि दौड़े दौड़े गए, अर्जुन आदि दौड़े दौड़े गए। क्या हुआ देवी, क्यों रो रही? महाराज देखो तो, किसी ने हमारे पांचों पुत्रों को मार दिया। और मारा तो ठीक, इनके सिर को भी कोई काट कर ले गया। मैं तो बर्बाद हो गई। और द्रौपदी की रोती हुई आंखों को देख करके अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन ने अपने हाथ में धनुष उठाया, देवी रो मत, मैं क्षत्रिय हूं, मैं प्रण लेता हूं, जब तक हम अपने पुत्र को मारने वाले का वध नहीं कर देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और भगवान कृष्ण की तरफ देखा, चलो ठाकुर रथ उठाओ। भगवान कृष्ण रथ चलाने लगे, अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुए और चल पड़े। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे ठाकुर। भगवान ने दिव्य दृष्टि से देख लिया, अश्वत्थामा ने मारा। अश्वत्थामा ने देखा कि भगवान आ रहे हैं पकड़ने के लिए, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तो अर्जुन घबरा गए, महाराज ब्रह्मास्त्र आ रहा। अरे अर्जुन तुम क्यों डरते, तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता, तुम भी छोड़ो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों टकराए, भयंकर वेदना होने वाली थी, उपद्रव मचने वाला था। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापिस करो, अश्वत्थामा तुम कर। अश्वत्थामा बोला, हमें चलाना आता, वापस करना नहीं आता। तब तो आफत हो गई, अर्जुन तुम वापस करो पहले। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस किया। अश्वत्थामा अब क्या करोगे? महाराज हमें चलाना आता, मोड़ना नहीं आता, वापस करना नहीं आता, कहीं और भेज सकते। हाँ, अश्वत्थामा को लगा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, एक ना एक तो मरना चाहिए। तो अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख पर चला दिया, मोड़ दिया। चलाया था अर्जुन पर मोड़ दिया। भगवान ने अश्वत्थामा को अर्जुन को कहकर के पकड़वाया और रथ में बांधकर घसीटते हुए द्रौपदी के साथ। भगवान ने तो कहा कि यही वध कर दो, इसको मारो। अर्जुन बोले, नहीं, इसको हम द्रौपदी के सामने मारेंगे। ले गए, जाकर के सामने खड़ा किया। तो मारने के लिए जैसी अर्जुन ने तलवार निकाली तो हाथ पकड़ लिया द्रौपदी ने, महाराज मत मारिए। क्यों? मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता। मां क्या होती है इसका दुख मैंने जान लिया, पुत्र के मरने का शोक क्या होता मैंने जान लिया, मत मारो। इसके पिता तो पहले ही महाभारत में मारे गए, गुरु द्रोणाचार्य। इसकी मां पहले से ही विधवा हो गई, और अगर ये भी मर जाएगा तो उस पर तो संकटों का पहाड़ गिर जाएगा। जो इसकी मां है जिसका नाम कृपी है, वो रोते रोते मर जाएगी। महाराज दो दो हत्याओं का पाप लगेगा, मत मारो। अर्जुन कहते, देवी तुम ऐसा कह रही तो युधिष्ठिर जी ने मैं हां ने हां मिला दी, हां मत मारो। अब ज्येष्ठ भ्राता पितृ क्षमा,
बड़ा भाई पिता के समान होता है। ओ मात पिता गुरु प्रभु की वाणी कीजे कार्य परम शुभ। अब अगर नहीं मानते तो पाप लगेगा। और अर्जुन थोड़ा पीछे तो भय, पर भगवान ने इशारा करके कहा अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुमने प्रतिज्ञा ली थी जब तक वध नहीं कर देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं, तुम्हारा प्रतिज्ञा का क्या होगा। अब तो अर्जुन फंस गए, एक तरफ भैया, एक तरफ द्रौपदी जी, दूसरी तरफ धर्म प्रतिज्ञा। महाराज आप ही कुछ उपाय बताओ ना, आप तो द्वारकाधीश कुछ बताओ ना। भगवान बोले देखो शास्त्र की पूछो तो हम बता सकते हैं। हाँ बताओ शास्त्र क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तब कहते हैं भगवान ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। लो अर्जुन ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए कैसा भी हो, पर आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने दोनों हाथ उठाए जय हो जय हो। बोले मतलब तुम्हारे जैसा टेढ़ा आदमी कभी नहीं देखा जिंदगी में, तुमने कभी सीधा बोला ही नहीं। एक तरफ क्या करे ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, दूसरी तरफ एक तरफ कह रहे कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक कुछ बताओ मारे के छोड़े। भगवान बोले हमने तो शास्त्र की बात बता दी, अब जो तुम्हें लगे सो करो। दोनों ऑप्शन। अर्जुन भी समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाले कभी सीधी बोलने वाले नहीं, हमेशा ये टेढ़े ही बोलते हैं। सोई हाथ जोड़ के बोले सुनो महाराज गीता के चेला हम ही हैं तुम्हारे, हम तुम्हारी भाषा समझ गए। क्या आपने ही गीता में कहा है माननीय व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए, जो माननीय सम्माननीय व्यक्ति है उसका अपमान ही मृत्यु के समान है। वो जितनी बार अपमान को याद करेगा उतनी बार मरेगा। फिर क्या मस्तक में मणि थी अश्वत्थामा के, उस मणि को निकाल लिया और समर से धक्का देकर के बाहर कर दिया।